हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो चलिए अपने बात करते हैं यहाँ पर जो कल जो कि T20 खेला जाएगा तीसरा, कतर और यहाँ पर जो है कतर और जो है युगांडा के बीच में। तो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, थोड़ा ध्यान से सुनना, काफ़ी अच्छा खासा वॉर्न करोगे आप ध्यान से इस वीडियो को सुनोगे तो। ठीक है, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की वीडियो में ऑलरेडी अभी भी थोड़ी देर पहले दे चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। मैच वन साइड ही होने वाला, आपको पहले बता दूं युगांडा की टीम जो है काफ़ी कमजोर टीम है। अभी ये मैच मैंने ड्रीम इलेवन पर देखा था, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मे बी कल तक अवेलेबल हो जाए। तो आप अगर खेल ले तो हेड टू हेड या फिर ग्रैंड लीग यहाँ पर ट्राई कर लेना, ग्रैंड लीग में भी आप यहाँ पर अच्छे खासे रैंक ला सकते हो। ठीक है, दोहा कतार में मैच खेला जाने वाला, और ग्राउंड देखा जाता है एक न्यूट्रल ग्राउंड है, यहाँ पे कोई ज़्यादा स्कोर भी नहीं बनता, एवरेज इस ग्राउंड का 150 या 160 के आसपास एवरेज है। टीम मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरह की आपको यहाँ पर टीम बनानी है, तो ध्यान से थोड़ा। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर, यह मैच थोड़ा रिस्की भी रह सकता है, आपको पहले बता दूँ, क्योंकि वन साइडेड मैच जो होते हैं वॉन होने वाले वो रिस्की भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हो सकता है वो प्लेयर आपके पास कैप्टन वैसे पर ना हो जो सामने वाले के पास हो और अच्छा खासा परफॉर्म कर गया हो। अब आपको मैं यहाँ पर दोनों सिचुएशन बताऊँगा आपको किस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर कतर की टीम पहले बैटिंग करती है, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि कतर के प्लेयर ही यहाँ पर जो है जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको एज ए कैप्टन वैसे कैप्टन ट्राई करना है। अगर सेकेंड इनिंग में आती है तो भी यहाँ पर कतर की ट्राई करना है। तो मैं आपको बताऊँगा किस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, विकेट कीपर के लिए आप मेरे हिसाब से तो मोहम्मद रिजवान को यहाँ पर मिस कर दो तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनकी बैटिंग थोड़ा डाउन आने वाली है, काफ़ी नीचे आने वाले हैं, तो इनकी बैटिंग में भी यहाँ पर ना पाए, स्पेशली तब जब इनकी टीम पहले यहाँ पर बॉलिंग करेगी, तब इनकी तो मुझे लगता नहीं बैटिंग आ पाएगी, क्योंकि टॉप ऑर्डर में काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं जो यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, एक ही प्लेयर अच्छा हमारे पास ओटवानी, अगर इनको रखना चाहते हो रख सकते हो, अगर आप रखना चाहते हो रिजवान को तो रख सकते हो, बट रिजवान को रख के एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी टीम आगे बैलेंस नहीं बन पाएगी, क्योंकि रिजवान से जो है अच्छे पॉइंट्स रन करके हमारे पास जो और प्लेयर हैं वो दे सकते हो, और एक टीम से आप मैक्सिमम साथ ही रख सकते हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ओटवानी को रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बैटिंग में काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास अवेलेबल, और कोशिश करना सारे के सारे जो है कतर से ही लेने की। कतर के प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे मोहम्मद तनवर हैं, ये बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करते हैं, बैटिंग में टॉप ऑर्डर पर वन डाउन आते हैं अधिकतर, उसके बाद यहाँ पर 2 से 3 ओवर अपने ओवर भी करते हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है देखा जाता है ओवरऑल। उसके बाद यहाँ पर जहीर इब्राहिम को रखा हुआ है, ये भी अच्छे ऑप्शन है कि वन डाउन या फिर ओपनिंग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर कोई कंफर्म नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि ठीक है बैटिंग ऑर्डर कोई कंफर्म नहीं है, कोई भी कभी भी आता, बट रिजवान का जहाँ तक मुझे लगता है रिजवान ऊपर नहीं आ पाएंगे, अगर आ गए तो एक अलग बात है। ठीक है, ये तीन मुझे बेस्ट लग रहे हैं, इसलिए तीनों के तीनों रखे हुए हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर में, ऑलराउंडर में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास, स्पेशली कामरान खान ही सबसे बेस्ट है यहाँ से, तो कामरान खान को ही बताऊँगा, बट यहाँ से तीन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तीनों के तीनों देखा जाए तो तीनों में से दोनों ही ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं। तीन में से केवल यहाँ पर फ्रैंक और यहाँ पर कैनेट जो है, ये दो ऑप्शन काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं यहाँ से युगांडा की तरफ से, और ये तो यही दोनों अभी तक आपने देख पॉइंट्स के हिसाब से आप देख भी रहे हो, ये दोनों अच्छा परफॉर्म करते, तो इन दोनों को अपनी टीम में जरूर रख लेना। तो चलिए बात करते हैं बॉलर्स की। उससे पहले यार फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, स्पेशली वो भाई जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, और बाकी फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक आप लोग करते नहीं हो पता नहीं क्यों, फ्री होने के बावजूद भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। चलिए अब बात करते हैं बॉलर्स में, बॉलर्स का सेशन आपके लिए मेन रहेगा, इस चीज़ को आपको पहले बता दूँ, कोशिश करना यहाँ से कतार से प्लेयर लेने की जो यहाँ पे अधिकतर बॉलिंग करते हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ओवर यहाँ पर करते हो। ठीक है, एक दो ओवर करने वाले प्लेयर्स को मत रखना, जैसे इकबाल हुसैन है, इकबाल हुसैन और मोहम्मद नदीम काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। उसके बाद आवेश मलिक हैं जो मुझे यहाँ पर बेस्ट लग रहे हैं हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग के लिए। ठीक है, अब एक प्लेयर मुझे यहाँ से रखना ही पड़ेगा किसी न किसी हाल में, या तो आप किसी बैट्समैन को रख लो या फिर किसी बॉलर को, और बैट्समैन से अच्छा आपको बता दें यहाँ पर बॉलर रहेगा, क्योंकि बॉलर्स को यहाँ पे 25 पॉइंट अर्न करने के लिए केवल एक विकेट चाहिए, और बैट्समैन को 25 पॉइंट अर्न करने के लिए कम से कम जिस हिसाब से इनकी टीम है उसको तो जानते हैं 20 से 22 रन यहाँ पर चाहिए, तो 20 से 22 रन करने वाले प्लेयर बहुत कम है युगांडा के प्लेयर में, तो इसीलिए यहाँ से इनका एक बॉलर ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है मेरे हिसाब से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेवर बुकेनिया को रखा हुआ है। उसके बाद ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, हेनरी भी हैं, उसके बाद फ्रैंक भी हैं, इनको रखना तो रख सकते हो, दोनों दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, और इनसे ज़्यादा हेनरी ज़्यादा बेस्ट आपको बता दो हो सकते हैं इस मैच के लिए, तो यहाँ पर फिर हमने बुकेनिया को रखा हुआ है, तो टॉस के बाद देखते हैं क्या होता है, अगर प्लेइंग 11 हमारे पास आती है तो, अगर नहीं आती प्लेइंग 11 तो आप इस टीम के साथ जा सकते हो हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी टीम हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, आपको काफ़ी मेहनत लग जाती है, आप ही के लिए करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझा करो। अब चलिए बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। ग्रैंड लीग के लिए आपको यहाँ पर बता दूँ, ग्रैंड लीग के लिए आप यहाँ से मैक्सिमम कोशिश तो करना बॉलर लेने की ही,
यहाँ से कतार की तरफ से, और कैप्टन वाइस कैप्टन आप ऐसे कैप्टन वाइस चूज कर सकते हैं जिन्हें बहुत कम लोगों की नज़र रहने वाली है, तो वो मैं आपको बता दूंगा आगे कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ पर आपके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कैप्टन के लिए। कैप्टन जो मुझे बेस्ट लग रहे हैं हेड टू हेड थ्री मेंबर के लिए, वो यहाँ पर मोहम्मद तनवर ज़्यादा बेस्ट मुझे लग रहे हैं। अगर उनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो तनवर ज़्यादा बेस्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पर वाइस कैप्टन के लिए मैं यहाँ से कामरान खान को ट्राई करूँगा, जो मुझे लग रहा है ज़्यादा बेस्ट हो सकते हैं हमारे लिए। यहाँ पर आप लियांगे को भी कर सकते हो, ये भी ओपनिंग करेंगे या फिर वन डाउन आएंगे, ऐसा इनका डाउन ऊपर नीचे हो रहा है, तो प्लीज़ इसी को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपनी टीम बनाना। तनवर को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इनके पास बॉलिंग जो है प्लस पॉइंट है, तो इसलिए मैं थोड़ा तनवर को ट्राई करूँ। तो यहाँ से आप किसी और को भी ट्राई कर सकते हो, कमरान खान को भी कर सकते हो, लास्ट मैच भी काफ़ी अच्छा स्कोर करके ये लोग गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कैप्टन की ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग में आपको क्या करना फ्रेंड, यहाँ पर बॉलर्स को ट्राई करना ग्रैंड लीग के लिए, जैसे इकबाल हुसैन है, आवेश मलिक है, मोहम्मद नदीम है, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको अच्छी खासी विकेट से, हो सकता कोई एक ही बंदा 4 से 5 विकेट ले, और 4 से 5 विकेट ले जाने वाला आपका कैप्टन हो, तो मुझे नहीं लगता आपके रैंक को नीचे वो गिरने देगा, ठीक है। तो ये होता है कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए। अगर आपको लगता हो कि आप इनमें से कर सकते हो किसी के साथ, तो तभी जाना, अदरवाइज अपनी मर्जी से चलना, जो आपको लगता हो वो कर लेना। मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं आपके घर पर आके टीम नहीं बना सकता। चलिए फ्रेंड, ये थी हमारी टीम। अगर आपको हमारी टीम अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और बाकी अगर चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना, और साथ ही में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। अगर आप बैट बॉल रन में खेलना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, ट्रस्टेड ऐप है, साथ ही में रेफरल कोड मिलेगा, तो फिर रेफरल कोड जरूर यूज करना। तो चलिए फ्रेंड, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।